ready? ठीक है। आज दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदा और घिनौना खेल खेला है, उससे एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो संविधान को मानती है, ना कानून को, ना किसी नियम कायदे को, ना लोकतंत्र को, केवल और केवल गुंडागिरी को मानती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से सदन चलाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से MCD को चलाना चाहती है। आप सब जानते हैं कि 7 दिसंबर को MCD चुनाव का रिजल्ट आया था और आज 2 महीने हो गए, 7 फरवरी, 7 फरवरी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के शासन से दुखी होके, गंदगी देख के, भ्रष्टाचार देख के, हर तरफ गड़बड़ी देख के, कूड़ा देख के, पार्कों की हालत देख के इनको हटाया था, BJP वालों को क्लियर मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आज 7 दिसंबर को सीधे सीधे सबको बताया कि इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका, आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं बिका। तो 2 महीने से ये, वैसे तो उससे पहले भी जब इलेक्शन इन्होंने पोस्टपोन किए थे तब से भी, लेकिन 2 महीने से चुनाव होने के बावजूद, जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिए जाने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से MCD को चला रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है वहां पे। आज आपने देखा कि हमारे पार्षद पूरी तरह से शांत बैठे थे, BJP के पार्षद बिना बात हंगामा कर रहे थे सदन में, कोई मुद्दा नहीं था, बस खड़े होकर शोर मचाना है कि बैठक नहीं होने देनी है। हमने, हमारे पार्षद सब सीट पे बैठे थे कि भाई ये इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन होने देना है, BJP के पास क्योंकि नंबर नहीं है ये शोर मचा रहे थे। जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनका नामांकन भी LG साहब ने गलत तरीके से किया था, फिर भी हमने कहा जी चलिए इलेक्शन करवाइए, दिल्ली को मेयर चाहिए, दिल्ली की जनता को साफ सफाई चाहिए, मेयर काम करेगा तो दिल्ली साफ होगी। अब ये पीठासीन अधिकारी आज जब सदन में आई तो पहले तो बोली कि एल्डरमैन वोट करेंगे, जो 10 एल्डरमैन लगाए गए हैं वो वोट करेंगे। अब इनके बारे में संविधान से लेके कानून तक में, संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि एल्डरमैन को वोट करने का अधिकार नहीं है। मैं संविधान की लाइन पढ़ देता हूं आपके सामने, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, संविधान के आर्टिकल 243R में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य की जो विधानसभा होगी वो MCD में या किसी भी नगर निगम में, राज्य की जो सरकार होगी, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन ए म्युनिसिपैलिटी ऑफ द फॉलोइंग पर्संस हैविंग स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस टू म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। एल्डरमैन इसलिए बनाए जाते हैं कि पर्संस हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस टू म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे लोगों को म्युनिसिपल में, म्युनिसिपल बॉडीज में एल्डरमैन बनाया जा सकता है। संविधान साफ साफ कहता है कि हाउएवर द पर्संस रेफर्ड इन दिस सेक्शन, इन दिस आर्टिकल शैल नॉट हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। इनके पास में वोटिंग के राइट नहीं होंगे, ये संविधान में 243R में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि दे शैल नॉट हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। MCD एक्ट जिसके तहत ये सदन चल रहा है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 लोग
10 persons who are not less than 25 years of age and who have a special knowledge or expertise in municipal administration to be nominated by the administrator, provided that persons nominated under this subclause shall not have the right to vote in the meeting of a corporation. कॉर्पोरेशन की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, उसके बावजूद बीजेपी की पीठासीन अधिकारी ने बहुत ही असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी की तरीके से ये कहा कि भाई मेयर के इलेक्शन में ये लोग वोट डालेंगे। हमारे पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ये साफ था कि बीजेपी जो भी साजिश कर ले संविधान तोड़ने की, कानून तोड़ने की, लेकिन दिल्ली की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया है, नंबर्स हमारे पास में, इसलिए फिर भी हमारे पार्षद एकदम शांत बैठे रहे सदन में, उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, वो कहते रहे वोट कराओ, वोटिंग कराओ। उसके बावजूद उनको लगा जब आम आदमी पार्टी के पार्षद इस पर भी शोर नहीं मचा रहे, इस पर भी ये सदन चलने दे रहे कि मेयर कराओ, तो इससे तो आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा, तो उन्होंने पहले सदन भंग कर दिया हंगामा करके। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि तीनों के तीनों इलेक्शन, जो तीन इलेक्शन होने आज होने थे, मेयर का, डिप्टी मेयर का और 6 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का, बोले तीनों के तीनों इलेक्शन एक साथ कराएंगे, ये भी गैर कानूनी है। तीनों इलेक्शन मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर्स का एक साथ नहीं हो सकता है, वो सीक्वेंस में होगा। और कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेयर का इलेक्शन प्रेसाइडिंग ऑफिसर कराएंगे और उसके बाद मेयर पीठासीन अधिकारी की कुर्सी ले लेंगे, हाउस की कुर्सी ले लेंगे, चेयर की, उसके बाद मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव होगा, ये भी कानून में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपके सामने जो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है, द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंडक्ट रूल्स, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के जो रूल्स हैं, उसकी कॉपी लेकर आया हूँ। उसमें लिखा हुआ है, उसके रूल 7 में लिखा है, मेयर टू प्रिसाइड ओवर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग, की एक बार मेयर का इलेक्शन होगा और मेयर के इलेक्शन के बाद एज सून एज द मेयर इज इलेक्टेड ही शैल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द बिजनेस। रेस्ट ऑफ द बिजनेस का मतलब आगे जो कुछ भी होना है वो मेयर की अध्यक्षता में होगा, मेयर सीट ले लेगा। फिर डेप्यूटी मेयर के इलेक्शन के बारे में भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन तो मेयर की तरह से ही होगा, लेकिन द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेक्शन 6 रूल 6 जिसमें मेयर का इलेक्शन है, एज फार एज मे बी टू द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी मेयर, यानी कि मेयर का प्रोसीजर ही डेप्यूटी मेयर में लागू होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द नोटिफिकेशन दैट एनी रेफरेंस देयर इन द प्रिसाइडिंग अथॉरिटी शैल बी constituted as a reference to the mayor, यानी कि रूल 6 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेयर का चुनाव कैसे होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कराएंगे, और आगे रूल 7 में और 8 में लिखा हुआ है कि मेयर उसके बाद में सदन की अध्यक्षता ले लेंगे और डिप्टी मेयर का इलेक्शन मेयर की अध्यक्षता में होगा, मेयर कराएंगे, ये भी रूल में साफ साफ लिखा हुआ है। इसी रूल का और इसी कानून का फॉलो करते हुए जो एलजी साहब की परमिशन से फिर नोटिफिकेशन निकाला गया था आज की मीटिंग का, उस नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा हुआ है, द मेयर सो इलेक्टेड विल देन अज्यूम द चेयर एंड प्रोसीड टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ डेप्टी मेयर एंड 6 मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 35(1) ऑफ द एक्ट। नोटिफिकेशन कह रहा है, रूल कह रहे हैं, कानून कह रहा है, संविधान कह रहा है कि साहब पहले मेयर का इलेक्शन होगा, मेयर के इलेक्शन के बाद मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर का इलेक्शन होगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी के मेयर का इलेक्शन होगा। फिर भी गैर कानूनी तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आके रूलिंग दी कि तीनों इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा कराए जाएंगे और इकट्ठे कराए जाएंगे, ये गैर कानूनी था। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पता था कि ये चाहे जितना कर लें, जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है, जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, हमारे पार्षद फिर भी चुप बैठे रहे कि तुम गलत करोगे, उसके बाद भी जीतेंगे तो हम ही। अब उनको लगा कि ये तो आम आदमी पार्टी के लोग इस पे भी होने दे रहे हैं इलेक्शन, आम आदमी पार्टी के लोग विरोधी नहीं कर रहे, शांत बैठे हुए हैं। तो उसके बाद वो एक नया रूल लेकर आए, नया रूल लेकर आए कि 2 MLA आम आदमी पार्टी के, जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा रखे हैं, उनको वोटिंग नहीं करने दी जाएगी। ये कहां से रूल आ गया भाई? अगर ये रूल है तो सब पे लागू होगा,
जिस जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, यहाँ तो लोगों के पास में कोविड के दौरान में कोविड की दवाई की जमाखोरी के भी आरोप लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ऊपर, सबके ऊपर लागू करो, वैसे तो है नहीं ऐसा कोई रूल। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के पार्षद आप सबने देखा चुप बैठे रहे और सोचते रहे, इंतजार करते रहे कि इन सब बदमाशियों के बावजूद, इन सब बदतमीजियों के बावजूद मेयर का इलेक्शन होने दिया जाएगा तो जीतेंगे तो हम ही, जनता ने तो हमें ही जिताया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज ठान के आई थी कि मेयर का इलेक्शन करना नहीं है। इसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं बोला और कहा कि मेयर का इलेक्शन कराओ, तो उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इन्होंने शोर मचवा के और बिना किसी बात के फिर से एडजॉर्न कर दिया। ये है क्या मामला? ये मामला सारा यह है कि 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जितने कुकर्म किए, इनको पता है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो उसके बाद में वो छिप नहीं पाएंगे, सब सामने आएंगे। जो कूड़ा उठवाने से लेकर, गली गली से कूड़ा उठवाने से लेकर, अंदर गाड़ियां आने से लेकर, जितना जनता को लूटा है इन्होंने और जनता के लूट को, जनता के टैक्स के पैसे को खुला लुटाया है, उसके सबके कच्चे चिट्ठे आम आदमी पार्टी के मेयर के हाथ लग जाएंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मेयर बने, जनता ने इनको हरा दिया है तो ये इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अब अफसरों के जरिए नगर निगम को बीजेपी चला रही है, ये बर्दाश्त नहीं है। अब हम इसके लेके पूरी उम्मीद रखते हैं कि अब जब ये असंवैधानिक काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और गुंडागिरी खुलेआम हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा करेंगे। थैंक यू। अभी पूरा तैयार कर रहे हैं, वो रखेंगे, लेकिन मूल रूप से तो यह है कि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, उसके बावजूद बदतमीजी हो रही है, उसके बावजूद गुंडागिरी हो रही है। अभी वो सारी लीगल एडवाइस ले रहे हैं क्योंकि कानून तो साफ साफ है, जो भी लीगल प्रोसीजर है उसमें लेके हम इसको लेके जाएंगे। सर ये क्या ये चाहते हैं कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जो है वो कोर्ट की तरफ से हो या उसकी निगरानी में, क्योंकि अभी कानून देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है हमारी, मेन तो ये है कि साहब संविधान में जब लिखा हुआ है कि कानून के मुताबिक मेयर का चुनाव होगा और मेयर आगे कार्रवाई करेंगे, तो मेन तो रिक्वेस्ट है कि साहब मेयर का चुनाव तो कराएं, ये बहाने मार मार के भाग रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये भागती जनता पार्टी हो गई है क्योंकि उसको पता है कि 17 साल के कुकर्म सामने आएंगे, तो अब मेयर का चुनाव जब जनता ने करके दे दिया है तो मेयर का चुनाव तो होने दें। हमारी मेन तो अपील ये है, बाकी कानूनी जो भी उसकी भाषा होगी वो बताएंगे आपको। इससे पीछे एल्डरमैन के वोटिंग का कोई इतिहास रहा है क्या? कोई इतिहास नहीं है, जब कानून में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है एल्डरमैन वोटिंग नहीं।